दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त आप सभी को पता है, लगातार आप डायरेक्ट एडमिशन के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हुई है। आपके समक्ष कल ही जो है PNP की तरफ से डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई थी, लेकिन उस ऑफिशियल नोटिस पर आप सभी को थोड़ा सा असमंजस की स्थिति व्याप्त थी, क्योंकि भैया वह जो डायरेक्ट एडमिशन की ऑफिशियल नोटिस आई थी वह UPDLED.government.in की वेबसाइट पर नहीं था। आप लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया क्या वह सही है कि गलत है। फिलहाल के लिए हमने बेहतरीन तरीके से आपसे बताया था कि आप अपने विद्यालय में संपर्क कर लीजिए, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है। ऐसा मत समझिएगा कि अगर नोटिस वायरल हुई है तो हो सकता है सही भी हो, और अगर देखा जाए तो वह नोटिस आपकी सही निकली। ठीक है, हम किसी भी अभ्यर्थी को मना नहीं किए थे कि आप उस नोटिस के चक्कर में रहिए। हमने आपसे वादा जरूर किया था कि हम आप सभी के लिए PNP जाएंगे इसके संदर्भ में कि क्या यह नोटिस जो वायरल हो रही है सही है कि गलत है। लेकिन हमने दोपहर को ही देखा, ठीक है, दोपहर को ही देखा, यानी कल के दोपहर में ही देखा कि यह वेबसाइट पर आ गई। ठीक है, इस वजह से हम नहीं गए। तो फिलहाल के लिए अब आप सभी बिल्कुल यह मानकर चलिएगा कि जो नोटिस वायरल हुई है वह पूरी तरह से सही है। आपके जो ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट एडमिशन की तिथि रखी गई है वह 21 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य तक आपका डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन उसी के बीच में 28 तारीख तक जितने भी कॉलेज में आवेदन एडमिशन हुए रहेंगे सभी की रिपोर्ट्स PNP को 28 तारीख तक भेजना है कॉलेज वालों के द्वारा। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग लगातार पूछ रहे थे भैया पता लगा हमारा डाटा ना भेजें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक तो वैसे ही इस समय सीटों की भरमार मची हुई है, तो बिल्कुल आप इसके चक्कर में मत रहिए कि हमारा डाटा नहीं भेजेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने छोड़ा है, यहाँ संपर्क माध्यम लिखा गया है। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद संपर्क माध्यम मीन्स टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर अपने किसी भी प्रकार के DLED संबंधी अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी जाकर आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। लगातार आप सभी के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, हम सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। भैया तुरंत नहीं हो पाता तो जब भी हम ओपन करते हैं हमें मिलता है आपका मैसेज, तो हम सभी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। अगर करते हैं तो बिल्कुल आप कॉमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हमने आपके मैसेज का रिप्लाई किया है कि नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आगे यहाँ देख पा रहे हैं हमने आपको इस पर चर्चा किया 21 तारीख से 26 सितंबर के बीच। ठीक है, अच्छा एक कमेंट आप कर रहे थे कि भैया क्या फीस तुरंत लगेगी। देखिए आज की जो परिस्थिति है, कल की जो परिस्थिति थी, कल विभिन्न डाइट में जितनी सीटें लगभग हमें लगता है कि 1765 सीटों के आसपास में डाइट की सीटें खाली थी, पहले ही दिन लगभग सीटें फुल हो गई। ठीक है, अब आपके पास एक ही चारा है। देखिए हर डाइट की सीटें भी फुल नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अधिकतर जो थोड़ा सा नामी गिरामी डाइट थे, जैसे विभिन्न कुछ जिले हैं, प्रयागराज हुआ आपका, इधर जौनपुर हुआ, ये तमाम कुछ जिले ऐसे हैं जो अपने आप में थोड़ा नाम रखते हैं, उन जिलों के डाइट की सीटें फुल हो चुकी हैं। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपको DLED करना ही है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस थोड़ा सा वहाँ मनी प्रॉब्लम होती है, फिलहाल के लिए अगर आप उस योग्य हैं तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोगों के पास ये समस्या होती है कि पता लगा आपका घर प्रयागराज में है और आपको मिल गया जौनपुर डायट, तो आपको समस्या होगी। जो खर्चा आप जौनपुर में आकर करेंगे प्रयागराज से, वही अगर आप अपने प्रयागराज में ही रहकर आप प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं तो भैया सेम खर्चा आपका वही लगेगा। ठीक है, बस एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि डाइट से करने पर नौकरी वोकरी ज़्यादा अच्छी खासी थोड़ा सा लग जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आप डाइट से करें चाहे प्राइवेट से करें, टेट सुपर टेट आपको भी देना है, चाहे आप डाइट से किए हैं और जो बच्चा प्राइवेट से किया है उसको भी टेट सुपर टेट देना है, दोनों में कॉम्पिटिशन सेम होता है। ठीक है, बस हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट कॉलेज का लड़का हो वो आपसे स्ट्रांग हो सकता है। किसके पक्ष में?
पढ़ाई के पक्ष में, चूँकि डाइट में कहीं कहीं होता है कि नहीं होती है, लेकिन कुछ डाइट ऐसे होते हैं जो अपने आप में पढ़ाई के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। फिलहाल के लिए वह चर्चा का विषय नहीं था, आ गया बीच में तो बताना पड़ा। एक कमेंट आप लगातार और कर रहे हैं कि भैया आवेदन की तिथि को लेकर, आवेदन की तिथि यहाँ देख पा रहे हैं क्या, आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी अब तक? बिल्कुल, हमने आपसे बताया था कि आवेदन की तिथि और डायरेक्ट एडमिशन में दोनों में तकरार चल रहा है। आपके आवेदन की तिथि तो नहीं बढ़ी लेकिन आपके डायरेक्ट एडमिशन की डेट आ गई। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आवेदन की तिथि बढ़ने के, तो भैया अब 0% चांसेस हैं। अगर आप 2022 में डीएलएड करना चाह रहे हैं बिना आवेदन के, ठीक है, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, है ना, इस चीज़ को आप भूल जाइए। अब बिना आवेदन के पहली बात तो आपकी आवेदन की तिथि बढ़ेगी नहीं, और जब आवेदन की तिथि आपकी नहीं बढ़ेगी तो आप किस प्रकार से करेंगे? नीचे हमने उस प्रश्न को भी डाल रखा है कि बिना आवेदन के, बिना आवेदन वाले एडमिशन कैसे ले। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, माइनॉरिटी कॉलेज का। कुछ लोगों को इस बात का भी बड़ा कन्फ्यूजन्स था कि हम माइनॉरिटी कॉलेज से अगर डीएलएड करते हैं तो क्या भविष्य में हमें समस्या तो नहीं होगी? देखिए यार, भविष्य में अगर आप समस्या होती है तो पीएनपी इतनी मूर्ख थोड़ी ना है कि 50-50% चांसेस वो देती है माइनॉरिटी कॉलेज को। 50% तो काउंसलिंग के माध्यम से होता है और 50% सीटें मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती हैं बिना आवेदन वालों के, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर कोई कहता है कि आप माइनॉरिटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं बिना आवेदन के तो वहाँ आपको समस्या होगी, भैया कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल बेधड़क ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बस एक प्रकार की समस्या आपकी होगी, हमने आपसे बार बार कहा है कि आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। मनी प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा, आप भैया माइनॉरिटी कॉलेज है, चूँकि इनके पास 50-50% की बात होती है, तो अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो डायरेक्ट के तहत फीस भी कुछ ज़्यादा होती है। वैसे नियमतः अगर देखा जाए तो फीस इनकी भी 41,000 है, लेकिन अब संस्था खोले हैं तो कुछ इनको भी चाहिए ना, तो वही चीज़ें इनकी ज़्यादा होती हैं, कुछ ज़्यादा होती, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बहरहाल आप बिना आवेदन के माइनॉरिटी कॉलेज का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, आपके लिए 24 घंटे खुला है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी कॉलेज में भी एडमिशन इसी के तहत होगा, ठीक है, 21 से 26 तारीख के बीच में। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम 10 तारीख को जाएं करवा लें अक्टूबर में तो हमारा एडमिशन हो जाएगा माइनॉरिटी कॉलेज में, हरदम एडमिशन में होता है, नहीं, ठीक है। सेम कंडीशंस रखी गई है माइनॉरिटी कॉलेज के लिए 21 से 26 सितंबर, और इनके लिए भी एक ही दिशा निर्देश है कि 28 तारीख तक आप भी अपना डाटा जो है पीएनपी को भेजेंगे, आपने जितने लोगों का एडमिशन लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, क्या डायरेक्ट एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है? बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट एडमिशन का कुछ अपना अलग एक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है, लेकिन कुछ डाइट ऐसे हैं जहां पर बहुत लोवेस्ट मेरिट जाती है डायरेक्ट एडमिशन में भी। वैसे होता क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन में जो है वो आपको एक फॉर्म देते हैं, ठीक है, फॉर्म देते हैं, फॉर्म आप भरकर जमा कर देंगे, फॉर्म भरने के बाद उस दिन तो फिलहाल आपकी पूरी लिस्ट लग जाएगी जितने लोग सिलेक्ट हुए रहेंगे, जितने लोग फॉर्म भरे हैं सभी की लिस्ट उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी, ठीक है। अब कल आप जाएंगे, जब कल की डेट में जब आप जाएंगे तो उसके बाद, जैसे कल आपने किसी भी डाइट में गया, आपने फॉर्म भरा, वैसे हो सकता है कुछ डाइट वाले तत्काल कर दिए हों, लेकिन कुछ डाइट ऐसे हैं जहां पर आपने, आपके द्वारा फॉर्म भराया गया और आज आप जाएंगे जब, तो आपको जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ रहेगा सभी की नोटिस लगी रहेगी, फीस जमा करिए, एडमिशन करवाइए, चले आइए घर, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होते हैं, आपको फॉर्म भरना होगा, बिल्कुल यहाँ भी मेरिट की दरकरार होती है, ठीक है। जौनपुर डाइट के किसी बच्चे ने मेरे पास लगातार फ़ोन किया, भैया हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हमने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा परिश्रम जरूर कर लीजिए, हो सकता है एडमिशन हो जाए, चूँकि मेरिट भी थोड़ी सी अच्छी खासी है, 226-27 के आसपास में है, बट उससे भी अपर मेरिट वाले पहुंच गए, तो इस वजह से उनको वरीयता में नहीं मिल पाया। तो हमने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, हो सकता है एडमिशन हो जाए, जैसे जो लोग गए थे कल की डेट में, हो सकता है कोई उसमें से एडमिशन ना ले, तो उनको वरीयता मिल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई समस्या
समस्या नहीं है। क्या डायरेक्ट एडमिशन ऑनलाइन होगा? अच्छा, किसी ने पूछा था कि जैसे प्रथम फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में एडमिशन प्रक्रिया चली थी, तो क्या ऑनलाइन के माध्यम से जो है ये डायरेक्ट एडमिशन भी करवाया जाएगा? तो बिल्कुल, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी ऑनलाइन मोड में यह काउंसलिंग नहीं हो रही है। आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज में जाना है, जहाँ भी आपको कॉलेज चाहिए वहाँ पर जाना है और डायरेक्टली उनसे संपर्क करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब उन्हें देकर अपने एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हमने आपको बताया कि आपको फॉर्म भरवाएंगे, ये सभी चीज़ें होती हैं। आप डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। हमने आपको अगर देखा जाए तो कल की वीडियो में बताया था, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना तीनों अनिवार्य है। उसके बाद आधार कार्ड, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो आपने फॉर्म भरा था, अपने फॉर्म की प्रति आपको ले जाना है, ये सभी चीज़ें। जो चीज़ें नहीं है कोई समस्या नहीं है, आपको समय दिया जाएगा कि भैया आप इतने दिन के अंदर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लाकर हमारे पास सबमिट कर दीजिए। किसी डॉक्यूमेंट के लिए तीन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। इन तीनों के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल आपको दो तीन दिन की मोहलत देंगे या एक हफ्ते की, 10 दिन की, जो भी आप कहेंगे दे देंगे, आप अपना एडमिशन प्रक्रिया वहां पूर्ण कर सकते हैं। एक समस्या और आप अवगत कराए हैं कि आपके जो है प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर, ठीक है। हमने आपके समक्ष सिलेबस को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया 15 तारीख से, ठीक है। और जो है हमें लगता है कि कल हमने आपके समक्ष सिलेबस का कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें से हमने आपसे 15 तारीख से कहा था कि हम 15 तारीख से अनवरत आपकी क्लासें स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम कुछ दिनों के लिए और आपकी क्लासों को आप ब्रेक देते हैं। इस वजह से ये डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया चल रही है भैया, ये प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है, 28 तारीख को समाप्त हो रही है, ठीक है, 28 तारीख को समाप्त हो रही है, तो हम 30 तारीख से आपके सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। वैसे पीएनपी की तरफ से अगर देखा जाए तो 14 सितंबर से ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट है, लेकिन सेमेस्टर विलंब हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर विलंब हुआ है। इस वजह से हम आपकी जो भी सिलेबस प्रोवाइड कर चुके हैं उसे छोड़कर जितने बच रहे हैं और जितने कंटेंट इसके तहत आ रहे हैं, ठीक है, उतने कंटेंट को बेहतरीन तरीके से आगे हम 30 तारीख से प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तब तक अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है और जो है वो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 2021 सत्र में हमने आपकी कुछ क्लासें प्रोवाइड किया था, ठीक है, वो भी क्लासें सेम वही हैं जो आपको 2022 सत्र में पढ़ाई जाएंगी। चूँकि सिलेबस आपका वही है, सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जब सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, तो जो कंटेंट में दिया जाएगा सेम वही दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं या इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डीएलएड के संदर्भ में समस्या होती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।